नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बुलंद राजपूताना पर आप सभी भाइयों का हम स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव हुए हैं, चुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं, तो उसमें भाजपा की सरकार आई है, लेकिन उसमें से राजपूत समाज के 21 विधायक राजस्थान में चुनकर आए हैं। पिछली बार से यह विधायक कम है, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि रविंद्र सिंह भाटी, जो कि शिव से निर्दलीय विधायक चुनकर आए हैं, और चित्तौड़गढ़ से चंद्रवान सिंह आक्या, ये भी जीत कर आए हैं। उसके बाद हम बात करें तो सिद्धि कुमारी बीकानेर पूर्व से जीत कर आई है, अंशुमान सिंह भाटी कोलायत से जीत कर आए हैं, बाबू सिंह राठौड़ शेरगढ़ से जीते हैं, गजेंद्र सिंह खुसर लोहावट से जीते हैं, सुख सिंह भाटी जो कि जैसलमेर विधानसभा से जीते हैं, प्रतापपुरी महाराज पोखरण से जीते हैं, रविंद्र सिंह भाटी जो कि आपको पहले बताए ही, हमीर सिंह भायल सिवाना से जीते हैं, समरजीत सिंह हिंदमाल से जीते हैं, पुष्पेंद्र सिंह बाली से जीते हैं, सुरेंद्र सिंह राठौड़ कुंभलगढ़ से जीते हैं, विश्वराज सिंह मेहवाड़ नाथद्वारा से जीते हैं, चंद्रमान सिंह आक्या चित्तौड़गढ़ से जीते हैं, राज्यवर्धन सिंह झोटवाड़ा से जीते हैं, दिया कुमारी विद्याधर नगर से जीती है, देवी सिंह शेखावत बांसुर से जीते हैं, विक्रम सिंह जाखल नवलगढ़ से जीते हैं, कल्पना देवी लाड़पुरा से जीती है, और मनोज सिंह न्यागली राजगढ़ से जीती है, वीरेंद्र सिंह कानावत मसूदा से जीते हैं, और मनोज न्यागली। यह सभी विधायक का हम शुभकामनाएं देते हैं, और इसमें एक गलत बात राजपूतों की गलत बात है कि जो कि हमारे कांग्रेस के मंत्री भी रह चुके हैं, प्रताप सिंह खाजरावास की हार हुई है, इसके लिए ये बहुत बुरी खबर सुनने को मिल रही है। और मध्य प्रदेश के भी जितने भी राजपूत विधायक हैं, आपको सबकी इन्फॉर्मेशन जल्दी हमारे यूट्यूब के चैनल से मिलेगी, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे।